हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के एक टॉपिक, प्लैकेट बर्मन डिज़ाइन। वैसे डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जनरली यूज़ होता है जब भी डिज़ाइन कोई भी मटेरियल या कोई भी प्रोडक्ट की डिज़ाइन हम डेवलप करते हैं तो उसके मैक्सिमम प्रोसेसेस, मतलब उसके हर एक पैरामीटर्स को ध्यान में लेके वो डिज़ाइन क्रिएट की जाती है। हर एक डेटा को एनालिसिस करके हमको पता चलता है कि कौन सा फाइनलाइज डिज़ाइन है जिसमें हमको मैक्सिमाइज आउटपुट मिलेगा, मिनिमम कॉस्ट होगा और वो रिलायबल होगा। तो आज का डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर का जो टॉपिक है प्लैकेट बर्मन डिज़ाइन, ये एक ऐसा ही टॉपिक है। तो प्लैकेट बर्मन डिज़ाइन एक्चुअली आर एल प्लैकेट एंड जे पी बर्मन ने 1946 में इजाज़ किया था, और ये एक्चुअली वो ब्रिटिश मिलिट्री के अंदर काम कर रहे थे सप्लाई के लिए, तब उन्होंने ये डेवलप किया था। प्लैकेट बर्मन डिज़ाइन हमको वो फैक्टर्स फाइंड करके देता है जो फैक्टर्स हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर इम्पोर्टेंस है, और जो एक्सपेरिमेंट के अंदर इम्पोर्टेंस नहीं करते वो सभी फैक्टर्स को वो अलग करके हमको देता है, और अनइम्पोर्टेंट फैक्टर और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को हमको अलग करके वो देता है। तो प्लैकेट बर्मन डिज़ाइन का काम यही है कि आपको कुछ डेटा अलग करके दे, कुछ डेटा इम्पोर्टेंट है, कौन सा डेटा नहीं इम्पोर्टेंट है, तो वो हमको पता चलता है। अभी अगर हम बेसिक एग्जांपल देखें तो एक कैंसर, लंग कैंसर होता है, उसके रीजंस कौन से हैं, तो उसके लिए यहाँ पे 22 रीज़न मैंने लिखे हैं। जो एक यूनिवर्सिटी है, हेल्थ केयर सेक्टर्स के अंदर एक रिसर्च हुआ था, उसके ऊपर से अराउंड 22 रीज़न है लंग कैंसर के। तो इसमें हम देखें तो नंबर वन है सिगरेट स्मोक किया, दूसरा है सेकंड हैंड, मतलब कौन से हाथ से स्मोक करते हैं, जेनेटिक्स, कैडमियम, क्रोमियम, मतलब अलग अलग उसके पैरामीटर्स हैं लंग कैंसर होने के। तो इसमें से लंग कैंसर होने के मैक्सिमम चांसेस कौन से हैं वो हमको पता चलेगा। लाइक अगर निकल है, प्लूटोनियम है, एक्सरे है, गामा रेडिएशन है, बीटा कैरोटीन सप्लीमेंट्स है, मतलब इसमें से मेन इम्पोर्टेंट, इसमें से अगर देखें तो इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा होगा लंग कैंसर के लिए, ये हमको प्लैकेट बर्मन डिज़ाइन सेग्रीगेट करके देता है। ये देखो, प्लैकेट बर्मन डिज़ाइन हेल्प्स यू टू स्क्रीन आउट द लीस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, कि स्क्रीन आउट करके देता है लीस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। स्क्रीन आउट क्या होता है कि जैसे आप कोई एक कंपनी में अप्लाई करते हो और बहुत सारे रिज्यूम होते हैं, तो उसमें से पहला रिज्यूम को स्क्रीन आउट करते हैं। मतलब वो कैसे कि रिज्यूम के अंदर कुछ भी एरर होती है तो वहाँ से ही रिज्यूम को रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो हो गया प्रोसेस स्क्रीन आउट। वैसे ही यहाँ क्या होता है, अगर 22 पैरामीटर्स है अलग अलग, आपके मतलब यहाँ पे लंग कैंसर के लिए 22 पैरामीटर्स रीजन है, तो उसमें से लीस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है, मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं होता, मतलब वो बहुत कम इम्पोर्टेंट होता है, वो फैक्टर्स हमको अलग करके देता है, वो प्लैकेट बर्मन का एक्चुअली यूज़ है। अभी हम एक एग्जाम्पल देखें तो कंसिडर द केस वेयर यू हैव द फैक्टर्स बी इवेल्यूटेड फॉर द इम्पैक्ट ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक। अ फुल फैक्टोरियल डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ टू लेवल एंड टू रेप्लीकेट वुड बी रिक्वायर्ड, मतलब टू लेवल एंड टू रेप्लीकेट, तो वो कितना हुआ 2:10×2, तो वो हो गया 2048 एक्सपेरिमेंट्स। अगर हम नॉर्मल डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का फुल फैक्टोरियल से हम प्रोसेस करें तो उसमें हमको 2048 एक्सपेरिमेंट हमको करने पड़ेंगे, पर अगर वही हम प्लैकेट बर्मन डिज़ाइन का स्क्रीन आउट करके देन आफ्टर उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करें तो देन आफ्टर वो सिर्फ हमको 24 एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। अभी इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं वो ऑलवेज 4 के मल्टीप्लाई में होता है, मतलब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो है वो 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24, मतलब वो 4 के मल्टीप्लिकेशन में होता है। अगर देखें द मिनिमम ऑफ 4 एंड एक्सपेरिमेंट्स इज नीडेड फॉर एस्टिमेटिंग मेन इफेक्ट फॉर 4 एंड -1 फैक्टर्स,
ये फ्लैकेट बर्मन ने 1946 में दिया था, द मिनिमम ऑफ फोर एन एक्सपेरिमेंट इज नीडेड ऑफ फैक्टर्स ऑफ मेन इफेक्ट फॉर फोर एन माइनस वन फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास चार पाँच छः और सात फैक्टर्स रिक्वायर्ड है तो आठ एक्सपेरिमेंटल रन हमको करेंगे, और अगर आपके पास एट नाइन टेन इलेवन है तो आपको 12 रन करने पड़ेंगे। अभी इसका एक्चुअली हम जो ने जो ऊपर डिस्कस किया, ये हमको एक स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट का कितने रन्स करने हैं, कितने फैक्टर्स हैं और कितना कैसे जनरेटर, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। पर अगर फैक्टर्स कितने हैं और उसके ऊपर से रन्स कितने करने हैं वो आपको ये टेबल से पता चलेगा। तो पहले तो आपको कितने फैक्टर्स है वो फाइंड आउट करना है, देन कितने फैक्टर्स से आप उससे पता चलेगा कि आपको आठ रन्स करने हैं। अगर चार से ग्यारह फैक्टर्स है तो उसमें आपको 12 रन करने हैं। वैसे अगर 32 से 35 फैक्टर्स है तो आपको 36 रन्स करने पड़ेंगे। अभी हम देखें कि अगर हमारे पास ए बी सी डी ई एफ और जी, अगर आपके पास इतने फैक्टर्स है तो आपको रन्स कैसे सेट करने हैं। मतलब इतने फैक्टर्स है तो आपको ऑब्वियसली आठ रन्स आपको करने हैं। अभी आठ रन्स का जनरेटर कैसे सेट करें, तो कि अगर ए का रन आप रेंडमली ये ले रहे हैं तो आपको बी का जो भी फैक्टर्स है वो कैसे आपको सेट करना है। तो देखो, ये एट द एंड वाला एट्थ रन है, जो एट रन का जो भी फैक्टर है वो आपको सेम रखना है, मतलब वो माइनस कर देना है हर एक में। देन इसके ऊपर का अगर जो जो है वो आपको उठा के रहा पे रखना है बी के पहले में, देन उसके बाद यहाँ ए से पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है टिल द एंड, तो आपको मिलेगा ये मिलेगा आपको। देखो सेम यहाँ पे आपको कलर कोडिंग यहाँ पे किया है तो इजीली अंडरस्टूड होगा। तो यहाँ पे प्लस है तो मतलब ये यहाँ से कॉपी पेस्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक फिर यहाँ से उठा के यहाँ से पहला रख दिया बी के ऊपर। तो आपको ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना है टिल द आपका जितना भी रन्स है, जितना भी फैक्टर्स है वहाँ तक आपको करना है। जब तक आपका कॉलम कंप्लीट नहीं होता है एंटर एंड ऑफ, तब तक आपको ये प्रोसेस करना है। और यही आपका प्लैकेट बर्मन का स्टेप्स है और यही प्लैकेट बर्मन का डिज़ाइन है। अगर एडवांटेज देखें तो हेल्प यू सॉर्ट आउट विच फैक्टर्स कंसनट्रेट ऑन ग्रेटली रिड्यूस अमाउंट ऑफ डेटा यू हैव टू कलेक्ट। तो आपको आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसमें से बहुत सारा डेटा रिड्यूस कैसे हो सकता है, मतलब जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो आपको स्क्रीन आउट हो जाएगा और अनइम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो भी डेटा है वो स्क्रीन आउट हो जाएगा। तो आपको इजीली अंडर पता चलेगा कि भाई इम्पोर्टेंट फैक्ट कितने हैं और अनइम्पोर्टेंट कितने हैं। एक्सपेरिमेंट रिड्यूस करता है, वैसे पहले ही देखा हमने 2048 एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ते हैं नॉर्मली फुल फैक्टोरियल देखें तो एक एग्जाम्पल में। पर अगर अगर नॉर्मली हम प्लैकेट बर्मन डिज़ाइन यूज़ करके देन आफ्टर डी ओ यू उस पर अप्लाई करें तो उसके लिए हमको सिर्फ 24 एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ेंगे। देन प्लैकेट बर्मन डिज़ाइन एक्ट एज अ फनेल, तो सेम फनेल की तरह यूज होता है। देन आइडेंटिफाई अनइम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर फ्रॉम डिज़ाइन। तो आगे हम देखेंगे केस स्टडी प्लैकेट बर्मन डिज़ाइन के ऊपर। तो ये केस स्टडी मैंने ली है आइसोलेटेड बैक्टीरियम कंपनी है, जो कि बैक्टीरियम जो उनका लैक्टेस का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कैसे करना है उसके ऊपर केस स्टडी है। तो कंपनी का पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कि लैक्टोस का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। दूसरा कि स्क्रीन आउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो कि प्रोडक्शन का जो भी प्रोसेस है उनको इंक्रीज करना है, मतलब फैक्टर्स उसके जो अफेक्ट कर रहे हैं वो निगलेक्ट करने हैं या उसको आपको स्क्रीनिंग करना है। देन आइसोलेटेड बैक्टीरियम इंक्रीज मोर प्रॉफिट, मतलब ये आइसोलेटेड बैक्टीरियम जो है कंपनी उसका प्रॉफिट इंक्रीज करना है। फिर अगर यही प्लैकेट बर्मन डिज़ाइन के ऊपर से हम देखें तो द प्लैकेट बर्मन स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ ग्रोथ कंपोनेंट्स ऑन लैक्टेस प्रोडक्शन, कि लैक्टेस प्रोडक्शन के अंदर प्लैकेट बर्मन डिज़ाइन है वो उसके अंदर में सभी कंपोनेंट्स आ जाते हैं और सभी कंपोनेंट्स लैक्टेस प्रोडक्शन के लिए इफेक्ट होते वाले कंपोनेंट को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इट इज़ अ टू फैक्टर माइनस वन एंड प्लस वन डिज़ाइन दैट लैक्टेस सिग्निफिकेंट वेरिएबल फॉर द प्रोडक्शन बाय स्क्रीनिंग एन वेरिएबल्स। देन नेक्स्ट, ऑल 14 फैक्टर्स चूजन इन द प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन वेर टेस्टेड एट दिस टू लेवल्स बेस्ड ऑन द प्लैकेट बर्मन मैट्रिक्स डिज़ाइन।
द मेन इफेक्ट वॉज कैलकुलेटेड बेसिकली एज अ डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मेजरमेंट्स ऑफ ईच वेरिएबल मेड एट हाई लेवल एंड लो लेवल। तो अभी आप जानते होंगे कि डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में आपको कोडिंग और डिकोडिंग होता है, तो यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे डिकोडिंग लिया गया है। तो इसके लिए हम अगर डेटा जो भी हमारे पास है तो उसका हमें कोड दे ए से ओ तक का, उसका वेरिएबल नेम डिफरेंट डिफरेंट, और इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज को यहाँ पे दिया गया है। मिनिमम टेंस इंक्यूबेशन टाइम के लिए मिनिमम 10 है और मैक्सिमम 14 है। तो ये जब हम कोडिंग करते हैं तो इसमें मिनिमम का -1 मैक्सिमम का +1 रखते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखें तो इसका टेबल यहाँ पे ए से ओ तक का पूरा टेबल यहाँ पे लिख दिया गया है, हमारे पास ये टेबल दिया गया है। यहाँ पे हम देखें तो हमारा पी का वैल्यू जो भी हमको मिलता है अनोवा के प्रोसेस से, तो अगर 0.05 से अगर ज़्यादा है तो वो हो जाता है इनसिग्निफिकेंट, और अगर 0.05 से कम होता है तो वो जाता है सिग्निफिकेंट डेटा हमारा। तो यहाँ पे देखें हमारा तो ये इंक्यूबेशन टाइम है उसका 0.06 डेटा है, तो 0.06 है तो ये हो गया 0.05 से ज़्यादा, तो ये हो गया हमारा इनसिग्निफिकेंट डेटा। देन टेम्परेचर जो है तो उसका 0.02 है, 0.002 है तो वो हो गया 0.05 से कम, तो वो हमारा हो गया सिग्निफिकेंट। ऐसा करके हम ये नॉर्मल प्लॉट जो हमारा है इसमें हमको इंडिकेशन आपको इजीली यहाँ पे पता चलेगा कि देखो सिग्निफिकेंट डेटा तो के बी सी एन एच डी ओ। तो बेसिकली देखो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताओ तो बी जो है वो सिग्निफिकेंट है, और सिग्निफिकेंट कैसा है, बी डेटा देखो आप, बी डेटा क्या है, बी टेम्परेचर है, यहाँ पे हम देखें तो टेम्परेचर का पी वैल्यू कितना है 0.002, वो 0.05 से बहुत कम है, तो इसके लिए ये जो डी बी है वो हो गया हमारा सिग्निफिकेंट। एंड द रेस्ट ऑफ डेटा इज मतलब यहाँ पे एक लाइन पे जो हम देखो डेटा मिलता है वो हो गया हमारा नॉट सिग्निफिकेंट, तो वो डेटा है उसको हमको रिमूव करना है, मतलब वो जो है हमको एक्सपेरिमेंट से रिमूव करना है। और अगर ये ग्राफ में भी देखें हम बार प्लॉट में तो इससे भी हमको पता चलता है, और पेरेटो चार्ट हम अगर कंसीडर यहाँ पे करें तो इसमें भी यहाँ पे पता चलता है कि हमारा जो सिग्निफिकेंट डेटा है वो मैक्सिमम अफेक्ट करता है और उसको ही हमको एक्सपेरिमेंट के लिए रखना है, बाकी जो ये इम्पोर्टेंट नहीं है ये इजीली पता चलता है जे एल एम एफ के ई जी ए तक का जो भी डेटा है वो उसको हम नॉट सिग्निफिकेंट है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे एक्सपेरिमेंट के लिए, उसको निगलेक्ट कर देते, मतलब ये स्क्रीन आउट हो गया आपका कि भाई ये डेटा है वो आपका सिग्निफिकेंट है और ये डेटा है आपका नॉट सिग्निफिकेंट। तो प्लैकेट बर्मन डिजाइन अल्टीमेटली करता यही है कि वो सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट फैक्टर्स को स्क्रीन आउट करके देता है, तो यहाँ पे आपको इजीली स्क्रीन आउट हो जाता है। अगर हम कंक्लूजन देखें तो दिस स्टडी हैड लेड टू द आइसोलेशन ऑफ बैक्टेरियम बैसिलियस एस पी वी यू वी डी 101 स्ट्रेन विथ हाई एक्टिविटी फॉर लैक्टेज हाइड्रोलिसिस। ये उनका कंपनी का कुछ टर्म्स होगा या फिर कंपनी का कुछ मतलब मेडिकल का कुछ वर्ड होगा, पर हमारा मेन कंक्लूजन यही है द कंपोनेंट्स नेमली टेम्परेचर पीएच आरपी MgSO4 कॉन्स्टेप लिक्वायर एंड लैक्टोज वेयर फाउंड टू बी हाईली सिग्निफिकेंट टू अचीव मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ लैक्टेज। दिस रिजल्ट रिवील्ड दैट द आइसोलेशन बैक्टेरियम कुड बी यूज एज अ गुड सोर्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ लैक्टेज। मतलब हमारा जो सिग्निफिकेंट डेटा है उसको लेके हम उसको लेके ही हम आगे वर्क करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन एंड मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव होगा, ये जो हमारी कंपनी है उसका। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ अगर आपको कोई स्पेसिफिकली वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कोई चीज़, मैं उसके ऊपर काम करूँगा और आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगा। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।